हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमन। सुमन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों की स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है सैमसंग गैलेक्सी Z1 के ऊपर। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो सैमसंग गैलेक्सी Z1 मोबाइल को हार्ड रीसेट करना, तो फिर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो भी दोस्तों आप लोग जान पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी Z1 मोबाइल को हार्ड रीसेट कैसे करते हैं। पहला सवाल है मेरा दोस्तों, आप हार्ड रीसेट क्यों करना चाहते हो अपने फोन को। दूसरा सवाल है दोस्तों, हार्ड रीसेट करने के बाद आपका क्या फायदा होगा। तो फिर फायदा और नुकसान में बता देती हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ आपकी फायदे की बात, जो मैं अभी पहले बोलना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आपके फोन में हैंगिंग प्रॉब्लम होते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर हैंग करता है दोस्तों, आप फोन यूज नहीं कर पाते हो ज्यादा, चार्जिंग वगैरह में फोन लगाते हो तो प्रॉब्लम करते है, दिक्कत करते है दोस्तों, या फिर दोस्तों आपके फोन में कोई एप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल वगैरह नहीं होते है, या फिर दोस्तों आपके फोन की इंटरनल मेमोरी फुल हो गया है और इंटरनल मेमोरी से आप कुछ भी डिलीट करते हो तो दोस्तों उसके बाद डिलीट भी नहीं होते, या फिर दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है सॉफ्टवेयर की, एप्स की और हैंगिंग की, या फिर दोस्तों आपने मोबाइल पे पेटम लॉक लगाया है और पेटम लॉक आपको याद नहीं है क्या लॉक आपने लगाया है। दोस्तों, मैंने अभी काफी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को बताया हूँ, जैसे एप्स का प्रॉब्लम, जैसे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, जैसे पेटम लॉक का प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर ये सब प्रॉब्लम आपके फोन पे है तो ही दोस्तों आप हार्ड रीसेट करें अपने फोन को। अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके फोन पे नहीं है तो दोस्तों आप लोग फोन को हार्ड रीसेट मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फोन सही चल रही है, तो फिर दोस्तों आप फोन को हार्ड रीसेट मत कीजिए। आपको दिक्कत में आ सकते हो कभी भी, ऐसे ही फोन को हार्ड रीसेट मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है फोन में तो ही हार्ड रीसेट करें, नहीं तो मत कीजिए हार्ड रीसेट, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ हार्ड रीसेट कैसे करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z1 मोबाइल को। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी Z1 मोबाइल को हार्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल की पावर की को प्रेस करना होगा, मतलब वॉल्यूम की को प्रेस करना होगा अपने मोबाइल से। देखिए दोस्तों, मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को वॉल्यूम की को प्रेस करना होगा, इसको दबा के रखना है और दोस्तों पावर बटन को दबा के रखना है, मतलब तीनों की एक साथ में प्रेस करना है एक ही टाइम पे एक ही समय पर। उसका प्रेस करके जैसे आप दबा के रखेंगे तीनों बटन एक साथ में, तो दोस्तों ये होल्ड हो जाएगा फोन, मतलब होल्ड होके दोस्तों जो फोन का जो मतलब बोट है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो सेटिंग है दोस्तों मोबाइल का वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, तो थोड़े टाइम लगेगा दोस्तों, इसमें इंतजार करना होता है। दोस्तों, जैसे ही डिस्प्ले में लाइट आएगा उसके बाद दोस्तों आप छोड़ दीजिएगा वॉल्यूम की को, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका जो बोट है ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा, मतलब जो आप हार्ड रीसेट करेंगे कैसे वो ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा बोर्ड ओपन हो चुका है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो थर्ड वाला जो ऑप्शन है आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को वॉल्यूम की को प्रेस करना होगा, जैसे मैं अभी करूंगा, देखिए दोस्तों। और वॉल्यूम की को प्रेस करके आप नीचे आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं नीचे आ चुका हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को पावर की को प्रेस करना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों पावर की को जैसे मैंने प्रेस किया हो उसके बाद देखिए और एक नया इंटरफेस आया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो मोबाइल का मतलब सिस्टम है दोस्तों, आप लोग चाहे तो एक बार यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आप यस में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को वॉल्यूम की को प्रेस करके नीचे आना है। जैसे यस का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आके दोस्तों आप लोगों को पावर की को प्रेस कर देना होगा एक बार। जैसे आप पावर की को दबा देंगे दोस्तों, पावर की को प्रेस करने के बाद आप लोगों को 1 मिनट तक रुकना होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थोड़े टाइम लेते हैं लोडिंग होने में, इसलिए दोस्तों थोड़े टाइम यहाँ पर आप लोगों को वेट करना होगा। तो दोस्तों आपकी मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, ऑफ होके फिर से ऑन होगा, मतलब ऑन हो जाएगा दोस्तों। डिस्प्ले में लिखा हुआ है मोबाइल का नाम, आप लोग देख सकते हो सैमसंग Z1, मतलब कम्प्लीटली हार्ड रिसेट हो रहा है, मतलब फॉर्मेट हो रहा है कम्प्लीट, जो फोन है दोस्तों वो क्लीन हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरा फोन ऑफ हो गया, और भी देखिए दोस्तों फिर से ऑन होगा ऑटोमेटिकली। देखिए दोस्तों ऑन हो रहा है मेरा फोन। तो दोस्तों थोड़े टाइम यहाँ पर और लगेंगे, तो वेट कर लेते हैं फिर से थोड़े टाइम और। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ सेटअप आया है, मतलब सेटअप करना होगा फोन को ऑन करने के लिए। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी से इस सेटअप को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट वगैरह करके इस फोन को ऑन कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर से यहाँ पर स्किप कर दूंगा, मैं स्किप कर दिया हूँ मैंने। डन में क्लिक करने के बाद मेरा फोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, मतलब फाइनली रेडी है मेरा फोन। अभी मैं यूज कर सकता हूँ इस फोन को, आप लोग देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से अपने फोन को हार्ड रीसेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को
फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों दोबारा सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं होगा। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप लोग ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे वैसे आपके पास नया नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और दोस्तों आप वीडियो का मजा ले पाएंगे। दोस्तों मेरे चैनल पे हमेशा ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, जैसे मोबाइल की वीडियो, जैसे कंप्यूटर की रिलेटेड वीडियो, दोस्तों जैसे सॉफ्टवेयर की रिलेटेड वीडियो, दोस्तों वगैरह वगैरह वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे। दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।